नमस्कार। इंसान हो या मशीन, सभी एक समय के बाद थकते हैं। ऐसे में उसे आराम देने की जरूरत होती है। अब यही बात गाड़ियों के मामले में करें तो पुरानी गाड़ियों के प्रदूषण से पूरी प्रकृति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए केंद्र सरकार की स्क्रैपेज पॉलिसी पूरी तरह से फिट बैठती है। क्या है फैसला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पुराने वाहनों के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की थी। स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा के बाद केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले कुछ दिनों के भीतर स्क्रैपेज पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ऐसे में जिन लोगों के पास पुराने वाहन हैं, उनके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे। इसलिए आपके सभी शंकाओं को खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स। क्या है नई स्क्रैपेज पॉलिसी? इस पॉलिसी को सरकार स्वैच्छिक आधार, यानी कि ये जो पॉलिसी होगी वो वॉलंटेरिली होगी। इस पॉलिसी के हिसाब से पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध तरीके से फेस आउट किया जाएगा। अगर आपका वाहन 15 से 20 साल पुराना है तो आपको हर 6 महीने पर वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। किन वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा? इस स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत देश में चलने वाले वाहनों को एक तय समय के अनुसार फिटनेस टेस्ट करवाना होगा। इसके अनुसार पर्सनल व्हीकल्स को 20 साल के बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल के बाद फिटनेस टेस्ट कराना होगा। सेंटर्स पर वाहनों का फिटनेस टेस्ट हो जाने के बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आपका वाहन फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाता है तो आपको अपने वाहन को कबाड़ में भेजना होगा। एक और बात, अगर आपका वाहन 8 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको ग्रीन टैक्स भी देना पड़ सकता है। अब ये ग्रीन टैक्स क्या है? ये टैक्स वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के समय रोड टैक्स के 10-25% की दर से लिया जा सकता है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को राज्यों के पास परामर्श के लिए भेजा जाएगा। स्क्रैपेज पॉलिसी से आपको क्या फायदा होगा? पहला, नौकरियों का सृजन। केंद्र सरकार का दावा है कि इस नई स्क्रैपिंग पॉलिसी से नौकरियों का सृजन होगा। पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद नए वाहनों की बिक्री में इजाफा होगा, जिससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 30% तक का बूस्ट मिलेगा। इसके साथ ही देश का ऑटोमोबाइल कारोबार 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए तक हो जाएगा। इस पॉलिसी से 10,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और तकरीबन 50,000 नई नौकरियों का सृजन होगा। दूसरा, प्रदूषण में कमी आएगी। ये अनुमान लगाया गया है कि कमर्शियल वाहनों से कुल प्रदूषण का करीब 65-70% फैलता है। ये कुल वाहन बेड़े का लगभग 5% है। पुराने बेड़े में आमतौर पर साल 2000 से पहले बने वाहन करीब 1% है, लेकिन कुल वाहनों से होने वाले प्रदूषण में इनका लगभग 15% हिस्सा होता है। ये पुराने वाहन आधुनिक वाहनों की तुलना में 10-25 गुना अधिक प्रदूषण करते हैं। आपकी गाड़ी, आपका वाहन केवल आपकी संपत्ति नहीं है, बल्कि एक दायित्व है, न केवल उस वाहन के मालिक के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए भी। अब इसकी जरूरत क्या है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार अगर इन वाहनों को प्रदूषण या स्क्रैपिंग पॉलिसी यानी किसी नियम कानून से ना बांधा जाए तो भारत में 2025 तक सड़कों पर चलने वाले लगभग 2 करोड़ पुराने वाहन हो सकते हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर प्रदूषण हो सकता है। कहना गलत नहीं होगा कि अगर पुरानी गाड़ियों पर रोक नहीं लगी तो उनके दम घोटू प्रदूषण से इंसान, पशु पक्षी और पूरी धरती खतरे में पड़ जाएगी। सरकार का ये फैसला हमारी जिंदगी, पर्यावरण को लेकर काफी मायने रखता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।